गुरुजी जल्दी क्लास स्टार्ट कीजिए वरना मम्मी गैस गैस सिलेंडर लाने भेज देगी। हे भगवान, मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे क्लास से बच्चों को घर में काम भी नहीं करना पड़ रहा है। नहीं मतलब इस हफ्ते जो है ना, आज और कल के बाद रेगुलर क्लास कर देते हैं लोगों का, ठीक है। कुछ टॉपिक्स थोड़ा ज़्यादा कवर करवा देते हैं। इस हफ्ते लोगों का रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। आज ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे कल छोड़ के थर्सडे से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर आईएएस ऑफिसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि बहुत सारे बच्चों का जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यूपीएससी कुछ ऐसा करने जा रही है कि प्रीलिम्स के पेपर को उस लेवल पे लेकर के जा रही है ताकि जो यूपीएससी जो चाहती है कि जितना पहले रिजल्ट देती थी वो कई गुना बहुत कम रिजल्ट वो प्रीलिम्स में देना चाहती है, राइट, ताकि बच्चे वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाए या तो आउट हो जाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से पढ़ने पे ज़्यादा विश्वास करें, खुद से बेसिक्स फाउंडेशन अच्छा है तो खुद से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, लिमिटेड फॉर्म में ही अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करें, राइट। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सबको मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मेरे प्यारे बच्चे, आज है मंगलवार, ठीक है, कल छोड़ के परसों से इस वीक लगातार क्लास है। थर्सडे भी क्लास रहेगी, फ्राइडे भी क्लास रहेगा, सैटरडे भी रहेगा और आपका ये क्लास संडे को भी रहेगा, राइट। तो आज क्लास मतलब टाइम से नहीं हो पाया, जिसके पीछे रीज़न था। अभी मैं क्लास में लाइव हूँ, राइट, हमसे थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा, अभी मधुकर कोतवे सर अभी थोड़ी देर पहले लाइव थे, बट कोई बात नहीं, राइट। चलते हैं, शुरुआत करते हैं, ओके। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ समय आप जैसे ही ये लोग भी थे जो क्लासेस को अटेंड किया करते थे रेगुलर, राइट, आज ये लोग भी सिलेक्टेड हैं, आप भी हो जाएंगे, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड ये एक 15th ऑफ जून से न्यू बैच स्टार्ट्स हो रहा है, आरंभ, वन ईयर एडमिशन 2026, थ्री ईयर आईएएस बैच, राइट। 50% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, राइट, जो 15th ऑफ जून से स्टार्ट्स हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड SKS10, राइट। आप भी ज्वाइन इस कोर्सेस में कर सकते हैं। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, राइट, इसमें आपको मिलता है जैसे क्रैश कोर्स है, मेंटरशिप सेशन है बाय द टॉप एजुकेटर्स, डिटेल्ड स्टडी प्लानर, आंसर राइटिंग विद डिटेल एवोल्यूशन, राइट, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर नोट्स, राइट। तो 16 सेक्शनल टेस्ट है, 4 फुल लेंथ है, जिन बच्चों का हुआ है वो बच्चे इस मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। एक आरंभ बैच है जो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य बैचेज है यूपीएससी सीएससी फॉर हिंदी मीडियम के, जो 8 जून से शुरू हो गया है, आप इस बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाई मी, माई नेम इज संजय कुमार शाह, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो कॉल मी SSM सर, एंड सर सुशी सैट ने लुटिया डुबा दी, राइट। कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लो, अब कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। सी सेट ने आपका लुटिया तो मैं समझ सकता हूँ। सेशंस को सभी लोग लाइक करिए और शेयर कीजिए, राइट, है ना, राइट, ओके, मैं समझ रहा हूँ, राइट। लास्ट क्लास आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल कराया था, आज हमारी क्लास पूजा पवार, राइट, उसी डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग आज आपकी क्लास होगी, राइट, है ना। और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में आज प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, फोर्थ, राइट, हिंदी मीडियम वाले। एंड माय डियर फ्रेंड्स,
नथिंग कैन स्टॉप यू फॉर चेसिंग फॉर UPSC CSE ड्रीम राइट. सो सब्सक्राइब नाउ. आप EMI पे कर सकते हो, मंथली पे से, अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते राइट. राइट, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 0% EMI पे, ओनली 4,364 रुपीज़ पर मंथ में आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो, जो 2 घंटे में आपका अप्रूवल हो जाएगा. मिनिमल पेपर वर्क होगा एंड फ्लेक्सिबल टेन्योर. ओके, एंड आपका ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल है उनके बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए, रेडी हैं आप सभी लोग? क्या आप सभी लोग रेडी हैं मेरे प्यारे फ्यूचर IAS ऑफिसर? इफ़ यू आर रियली रेडी, चलिए. लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, कोई बता सकता है मुझे? आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, एक बार मुझे बताएं. आपको मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्या पढ़ाया था, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, कुछ याद है? पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ओर चलूँगा. ओके, थोड़ा सा मैं बाहर चला गया था राइट, बच्चे की शादी थी उसी में चला गया था. एक बार सेशंस को सभी लोग लाइक कर दिए. राधे राधे, वेरी गुड. कंचन मुद्दा, IUC आपका हो गया प्रीलिम्स राइट. डिविजिबिलिटी रूल कराया था सर. के टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है प्लीज़ कोई बताएगा? बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है CSAT बाई संजय कुमार सा, राइट, है ना? मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, विभाज्यता का नियम मैंने कराया था राइट. देखो यहाँ से आपके एग्जाम में राइट, है ना, UPSC में क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं राइट. UPSC के एग्जाम में यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं राइट. तो इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक तरीके से आपको सोचना है, और भी सिस्टमैटिक तरीके से इसको देखना है और इसको फोकस करना है राइट. जैसे कि मुझे एक बात बताओ, सब लोग मुझे बताना राइट. मैं आपसे पूछ रहा हूँ राइट. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ, तीन से डिविजिबिलिटी रूल, तीन का मतलब क्या, तीन से डिवाइड का रूल कितना है, तीन का बताओ, डिविजिबिलिटी बाय 9 का बताओ, डिविजिबिलिटी बाय 8 का बताओ, बताओ डिविजिबिलिटी बाय 9. अगर आपको कैसे पता चलेगा कोई संख्या तीन से विभाज्य है या नहीं है, कोई भी संख्या तीन से कटेगा या नहीं कटेगा राइट, उसका कैसे पता चलेगा सर? टेलीग्राम चैनल बता दीजिए. UC गुप्ता सर, आप हिंदी मीडियम के प्रैक्टिस क्वेश्चन टेलीग्राम पर सेंड नहीं करते हैं? अंजलि वर्मा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आज करवा देता हूँ अभी, ठीक है? देखो डिविजिबिलिटी बाय 3 का मतलब है राइट, है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स यानी कि सभी अंकों के योग राइट. जो भी अंकों का योग होता है अगर वो 3 से डिवाइड है तो समझ लेना है. सेम आपका 9 का भी है, सेम चीज़ है 9 का भी है, डिवाइड बाय 9, यहाँ डिवाइड बाय 3 राइट. जो 3 में होता है वही 9 में होता है. डिविजिबिलिटी बाय 8 का मतलब कितना होता है, अंतिम 3 अंक राइट, अंतिम 3 अंक. इसके लिए मैं आपको एक फंडा लिखाता हूँ राइट. इसके लिए मैं आपको एक फंडा लिखा देता हूँ यहाँ पे, जिसको आप देखो फंडा. ये फंडा क्या है, अगर कोई भी अगर आप 2 से चेक करना है, 2 से 2 का विभाज्य, 2 का विभाज्य का अगर आप चेक करना है, दो की विभाज्य का चेक करना है राइट, है ना, तो दो को आप क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 1. वन का मतलब अंतिम, वन का मतलब लास्ट डिजिट आपको चेक करना है राइट. अगर 4 के विभाज्य का चेक करोगे तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 8 का चेक करोगे, देखो कितना अच्छा, 16 का चेक कर लो, 32 का चेक कर लो राइट. देखो 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो लास्ट दो अंक डिवाइड बाय 4 राइट. 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 राइट. इसका मतलब अंतिम तीन अंक डिवाइड बाय 8. 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 यानी कि अंतिम चार अंक डिवाइड बाय 16. आराम से पढ़िए राइट. जिस प्रकार CSAT का पैटर्न बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उत्तर प्रदेश के युवाओं ने लहराया परचम. गत वर्ष प्रदेश में लाया 21.25 करोड़ ने नौकरियां प्रदान की गई है. इस वर्ष का लक्ष्य ये क्या, ये कौन है भैया, इसको ब्लॉक करो राइट, है ना, इसको ब्लॉक करो सभी लोग, है ना, इसको ब्लॉक कर लो, इसको ब्लॉक करो. ये महाढोसा ठिया गया है बच्चा राइट, है ना,
कि सच में महाढोकुल बोले, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहा है, उल्टा सीधा प्रचार प्रसार में इसका दिमाग ज़्यादा लग रहा है। कहाँ तुमको नौकरी दिख रही है, कहाँ तुमको नौकरी दिख रही है, तुमको नौकरियाँ मिले तुम चलो औरों को नौकरी मिल गई ठीक है समझ में आता है, और तुमको नौकरी किस चीज़ की मिल रही है, कॉपी पेस्ट करने का, राइट। अरे पढ़ाई करो, आराम से मेहनत करो मेरे बच्चे, आराम से मेहनत करो, ओके आराम, राइट है ना। तो 32 का मतलब 2 की पावर में कितना आएगा, 5, राइट। यानी कि अंतिम 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 5 अंक, अंतिम 5 अंक, राइट। आप हमें भेज दो, हम आपको टेलीग्राम में भेज देंगे, ठीक है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको याद, अब बताओ ये वाला आपको याद करना आसान हो गया, इसको नोट डाउन कर लिया सबने, इसको नोट डाउन कर लिया सबने, इसको नोट डाउन कर लिया। इसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, राइट है ना, ओके सर, हाँ राइट, ओके, इज इट क्लियर। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो, जैसे बेटा मान लो 5 है, 5 है, तो 5 का कैसे चेक करना, 5 की पावर 8, 25 है, तो 25 का कैसे लिखोगे, 5 की पावर 2, 125 का आप कैसे लिखोगे, 5 की पावर 3, 625 को आप कैसे लिखोगे, 5 की पावर 4। इस 1 का मतलब होता है कि अंतिम अंक, इस 1 का मतलब होता है अंतिम अंक, राइट। इस 2 का मतलब है कि अंतिम अंतिम 2 अंक डिवाइड बाई 5 25। इस 3 का मतलब है, 3 का मतलब है अंतिम अंतिम 3 अंक डिवाइड 125। इस 4 का मतलब है कि अंतिम अंतिम 4 अंक डिवाइड बाय 625, राइट। ये आपका थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका हो गया, जिससे आप इसको थोड़ा सा ब्रेन में फिक्स कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रेन में फिक्स करते हो, राइट, ओके। सर इंग्लिश मीडियम वालों की क्लासेस किस चैनल पे होती है, इंग्लिश मीडियम वालों की क्लासेस लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे होती है रात को 10 बजे, ओके, रात को 10 बजे, ओके, रात को 10 बजे, राइट। इस बात को समझिए। अब देखो एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई भी संख्या अगर आपसे पूछे कि 48 से डिविजुअल है, तो 48 को आप किस किस से चेक करो, 48 को किस किस से, देखो आपको पता है कि 24 × 2 भी 48 होता है, इसको आप 8 × 3 × 2 भी लिख सकते हो, 8 × 6 भी चेक कर सकते हो, राइट। यानी कि अगर कोई भी नंबर 48 से डिविजुअल है ना, तो वो 8 से डिविजुअल होगा और 6 से भी होगा। 6 का डिविजुअल होने का क्या चेक करते हो, आपको कैसे चेक करना है, अगर कोई भी नंबर 6 से कटेगा या 6 से नहीं कटेगा या 6 से विभाज्य होगा, तो 6 से चेक करने का क्या रूल है, 6 से चेक करने का क्या रूल है, आप कहोगे 2 × 3, यानी कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, ओके, ठीक है। अच्छा 72 का बताओ कैसे चेक करोगे, 88 का बताओ कैसे चेक करोगे, 99 का मुझे बताए कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अब यूपीएससी के जो क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल पे 2022 तक इजी है, राइट, उसके बाद से डायरेक्टली यहाँ पे चेंज किया गया, राइट। तो हम लोग उस पैटर्न के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ेंगे। सॉरी सर कल नाइट 10 PM वाली क्लास कम समझ में आया, दोबारा भी देखा संध्या, कोई बात नहीं बेटा, डेफिनेटली मैं आपको एक बार और समझाऊंगा, एक दो बार आप देख रहे हैं ना वही बहुत बड़ी बात है, आराम से आराम से आराम से, कोई बात नहीं। ऐसा करता हूँ मैं आज जो है ना, मैं आपके ये क्लासेस जो है ना, मैं इसको कल के बाद इस वीक में मैं रेगुलर क्लास लूँगा, थर्सडे भी क्लास होगा, फ्राइडे भी होगा, सैटरडे भी होगा और संडे भी होगा क्लास, राइट। मैं थोड़ा रेगुलर क्लास करूँगा आप सभी के लिए, ओके ओके 12 and 6, यस। तो देखो 72 कैसे करोगे, 9 × 8, कुछ बच्चे ने कहा 12 × 6, तो भाई 12 का चेक करना, 4 × 3, तो बात एक ही बराबर हो गए, 4 × 3, तो 4 × 3 इसका भी 3 × 3 चेक करोगे, तो 4 × 3 = 12, 3 × 3 = राइट, या तो 4 × 3 = 12 और 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9 चेक करोगे। 88 का कैसे चेक करोगे, 11 × 8, 99 का 11 × 9। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहली बात मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो राइट, पी डिविजुअल बाई 3 है, डिविजुअल बाई 3 है, सुन रहे हैं आप सभी लोग, सुन रहे हैं, पहली बात ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, ठीक है,
2343128P है, तो आप मुझे बताओ कि पी की वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताएं पी की वैल्यू क्या होगी, राइट। आप मुझे बताओ, फाइंड द वैल्यू, पी का मान ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, डिवाइडेड बाय 8, राइट। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, राइट। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ठीक है। बाय 9 पी की संभावित मानों की संख्या, मानों की संख्या क्या होगी। आराम से कीजिए, आराम से करो, आराम से करना, आराम से। ओके, क्वेश्चंस विजिबल हो रहा है सबको? इज इट विजिबल? क्या आपको समझ में आ रहा है सर? पहले का चार, इसका इस चैनल पे इसका क्या कहते हैं आपको, सैयद जुमरा, क्या इस पे, इस चैनल पे जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ आपका, राइट, ये कि लेक्चर 5 है, राइट, है ना? आपको इसकी प्लेलिस्ट नहीं है क्या? क्या आपको इसकी प्लेलिस्ट नहीं है क्या? प्लेलिस्ट नहीं है क्या? प्लेलिस्ट नहीं है जुमरा, सही है जुमरा, एक बार मुझे आप बेटा आप शेयर करना, राइट। मधुरिमा मरंडी, राम प्रताप सिंह, सनी देव, अहमद जाहिर, आशा चौहान, प्लेलिस्ट है, अभिषेक पांडे, महेश भाई पटेल, कैसे हैं आप? देखो, मैंने यहाँ पे आपका पी का मान पूछा है। देखो, तो सबसे पहली बात, डिविजिबिलिटी बाय 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है कि सभी अंकों का योग, राइट, सभी अंकों का योग। अगर आप चेक करोगे तो 2 + 3 = 5 = 4 = 9 तीन के पारे में आते, इसको काट दो, 3 × 4 = 6 = 4 + 3 = 3 को भी हटा दो, 3 × 3 कट जाएगा, 1 + 2 = 3 ये भी कट जाएगा, 8 है, क्या है? 8 है, राइट, है ना? ये 8 है, राइट, है ना? 8 है, तो 8 + p / 3। तो देखो, 8 में आप यहाँ पे क्या ऐड करोगे, p की जगह अगर आप 0 करोगे तो 8, अगर मान लो p की जगह कुछ भी पूछ सकते, 0, 1, 2, 3, 4 जो भी, इसमें जो भी होगा, तो 0 पुट करोगे, 8 + 0 तो नहीं होगा, तो p की जगह आप 1 पुट करोगे, तो 8 + 1 = 9, 9 / 3 करोगे तो 3 के टाइम्स में कट जाता है, नहीं? इसका मतलब
जो पी का जो यहाँ पे जो मान आएगा, पी का जो मान आएगा, पी इक्वल टू वन आएगा। पहला क्वेश्चन वन आया सबको, पहला क्वेश्चन वन आया। आयुष गुप्ता सर मैंने तो सेव कर रही है प्लेलिस्ट, पता चल जाता है। ओके आशा चौहान ठीक है। निशा सिंह एट प्लस वन नाइन से कटेगा। हाँ कोई पटना से है, बहुत सारे बच्चे पटना से, आप टेंशन नहीं लो ठीक है। तो तीन दो पाँच चार नौ तीन बारह एक तेरह दो पंद्रह और आठ तेईस प्लस वन, ऐसे भी चक्र देखो दो तीन पाँच चार नौ तीन बारह और एक तेरह दो पंद्रह और आठ तेईस। तेईस में क्या ऐड करोगे तो पी के टेबल में आएगा। तेईस में क्या ऐड करोगे राइट, तो तीन सत्य इक्कीस तीन अट्ठे चौबीस, तो तेईस में प्लस वन ऐड करो तो पी की वैल्यू आपका वन ही आएगा। अब एट का मतलब क्या होता है, एट का मतलब क्या होता है, अंतिम 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 तीन अंक, अंतिम तीन अंक डिवाइड चेक करना है किससे, एट से, एट से, एट से राइट है ना। तो अंतिम तीन अंक, अंतिम तीन अंक क्या, ये टू सिक्स के हैं राइट, टू सिक्स और के है डिवाइड बाई एट राइट। अगर आप एट से आप देखो यहाँ पर चेक करो टू सिक्स के, एट थ्री या ट्वेंटी फोर, रिमाइंडर क्या बचा टू। अब भाई के की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो देखो ध्यान से देखो सब लोग ध्यान से, के की जगह आप जीरो लिखोगे तो एट के टेबल में तो नहीं आएगा, तो जीरो भी नहीं होगा राइट। अगर आप एट की जगह अगर आप वन लिखोगे टू वन तो ये भी नहीं आएगा, टू लिखोगे तो भी नहीं आएगा, थ्री लिखोगे तो भी नहीं आएगा। लेकिन के की जगह अगर आप फोर लिख दोगे, अगर आप फोर यानी कि यहाँ पे एट के बाद टू के बाद फोर, यानी के की जगह अगर आप फोर लिख देंगे, के की जगह अगर आप फोर लिख देंगे तो सर एट थ्री या ट्वेंटी फोर हो जाएगा, हो जाएगा। यानी के की जगह क्या आएगा, फोर आएगा, आएगा ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, जियो मेरे से मेरे बच्चे, पढ़ना पड़ेगा, बहुत आराम से पढ़ो ठीक है, थोड़ा सीरियस होकर रहो, एकदम सीरियस तरीके से राइट, आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़ो ठीक है। समझ में आ रही बात है ना, एक एक करके आराम से समझिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे नहीं होगा ओके। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 24, तो 8 दो 8 3 या कितना आएगा 24, ये भी कैंसिल। यानी कि यहाँ पे k का मान क्या आएगा, k का मान k इक्वल टू यहाँ पे 4 आएगा ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको समझ में आ गया। सर्कल सी सैट ने सोने नहीं दिया, ओ माई गॉड, कल सी सैट आपको सोने नहीं दिया, मैं समझ रहा हूँ भाई। पूछा है के का मान क्या होगा, तो के का मान यहाँ पे 4 होगा। अगर ऐसा लिखा जाता कि के का संभावित मान क्या होगा, संभावित मानों की संख्या, मानों की संख्या राइट, तो हम वहाँ पे चेक करते कि क्या क्या हो जाएगा राइट, क्या क्या हो जाएगा ओके अहमद जाहिर ठीक है, बात समझ में आ रही है राइट। अब सुन दो ये बात क्लियर है सभी लोग सुनिए, कि अभी एक दो क्वेश्चंस कराया, अब तीसरे क्वेश्चंस पा रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की लिस्ट और दूंगा। देखो ध्यान से, तीन दो पाँच, अब देखो नाइन का मतलब क्या है, नाइन का मतलब क्या है, नाइन का मतलब है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स राइट, सभी अंकों का योग राइट। तो पहली बात, नाइन में जो आ रहा कैंसिल कर दो, नाइन आ रहा कैंसिल कर दो, छः प्लस तीन नाइन कैंसिल कर दो, कैंसिल करो राइट, तीन दो पाँच और ये चार नाइन, इसको भी कैंसिल कर दो, सभी नाइन के टेबल में आता है। जो नाइन वाला उसको कैंसिल करो, कर दिया ना, देखो नाइन कट गया, छः प्लस तीन नौ कट गया, चार तीन सात दो नौ, ये भी कट गया, बचा क्या एम। अब क्या बचा, पी को संभावित मानों की संख्या क्या आएगी। पहली बात सोचो, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जब भी हम किसी भी संख्या को हम बैक करते हैं राइट, प्रियंका को बुक नहीं ली, यहाँ ठीक हो जाएगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, प्रियंका कोई बुक नहीं ली, यहीं ठीक की हो जाएगा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग राइट। यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़े से टफ क्वेश्चन दो सर, बेटा अहमद जाहिर दूंगा है ना, अभी क्यों फरफरा रहे हो, पहले उस लाइक तो अपना दिमाग बनाओ है ना, है ये, मैं ऐसा हूँ कि आपको रेगुलर यहाँ पे सी सैट की क्लास लेके आता हूँ, बस आपको हमेशा लाइव देखना है राइट है ना, आपको बस हमेशा लाइव देखना है। लाइव देखोगे जो मेरे लाइव सेशन में खो गया समझो सी सैट में वो क्वालिफाई कर गया, इसलिए आपको हमेशा लाइव सेशन में टच रहना है राइट। आप लाइव सेशंस के साथ कनेक्टिविटी रहिए, ऑटोमेटिकली चीज़ों को आप ध्यान से करते हुए चले जाएंगे राइट। क्लियर, समझ में आ रही। तो अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान देखो, पी के संभावित मानों की संख्या बताओ। तो भाई जो यहाँ पी के नहीं, सॉरी एम का होगा, तो देखो तो एम की जगह क्या होगा, एम की जगह एक आपका जीरो हो जाएगा, फिर जीरो के बाद और कुछ नहीं आएगा, फिर ये आपका नाइन आएगा, जीरो के बाद फिर आपका नाइन आएगा राइट, क्योंकि नाइन हाँ जीरो आएगा, फिर यहाँ पे और कोई नंबर नहीं आ सकता, फिर यहाँ पे नाइन ही आएगा। यानी कि यहाँ पे संभावित मानों की संख्या आएगी तो एक और दो, दो मान आएगा, दो मान संभव है, दो मान संभव है, कितने मान आएगा, दो। ये बात समझ में आ रही है, सोनिया सिंह ने सही आंसर किया, यही
राइट, सब यहाँ से टेलीग्राम चैनल बता दीजिएगा। राइट, सबको टेलीग्राम, जिसको भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, CSAT by संजय कुमार सा। अब देखो इसी में, देखो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, मैं अभी भी आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप खुद ही देखो क्वेश्चंस, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। देखो संख्या 72 से विभाज है, देखो 99 से आ जाए, राइट 11 से विभाज है, देखो एक्स प्लस वाई, देखो किस लेवल के क्वेश्चन है। 7x - 2y का मान क्या याद करो, राइट है ना, 3x - y का मान, देखो किस लेवल के क्वेश्चन है, आप खुद ही देख सकते हो। राइट, क्वेश्चन की कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर ये नंबर अच्छा मान के चलो छोड़ो अभी, ठीक है, थोड़ा आराम से। मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ा सा है, राइट, देखो जब तक आप देखो, इफ़ द सिक्स, सॉरी हिंदी में पढ़ो, यदि 6 अंकों की संख्या, राइट, क्या है संख्या 6x2904 88 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। राइट, अब बताओ x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करना है, सॉरी x का मान ज्ञात करना है, तो आप मुझे एक बात मुझे बताइए। राइट, हाँ आप मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चे, 88 का, सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिएगा PDF के लिए, राइट, CSAT by संजय कुमार सा, ओके। हाँ ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो 88 को आप कैसे चेक करेंगे, 88 को आप कैसे चेक करेंगे, 11 into 8, राइट। तो पहले आपको 11 into 8 चेक करना है। एक बार पहले आप खुद से सोचो, प्लीज़ टेक योर टाइम, राइट, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कम ऑन, एक बार आप जरूर टाइम लीजिए। आराम से सोचें, इफ द सिक्स डिजिट नंबर 6x2904 इज डिविजिबल बाई 28, इज बाई 88, प्लीज। दिया कह रहा है कि बेटा समझ में नहीं आ रहा है ना, एक काम करना, आप सुनो, मैं बताता हूँ सभी को, राइट, समझाता हूँ, राइट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपर करके पढ़ा रहा हूँ लेवल, है ना, क्योंकि जो पैटर्न आया है, बट फिर भी आप टेंशन नहीं लेना। आप यूट्यूब पे है ना, मेरी थोड़ा सा एक साल पहले की वीडियो होगी, राइट, है ना, नंबर सिस्टम बाय संजय कुमार साह अनअकैडमी, राइट, नंबर सिस्टम बाय संजय कुमार साह अनअकैडमी, मेरा ओल्ड वीडियो, थोड़ा सा आप उसको जरूर देख के आइए, थोड़ा सा आप एक बार उसको जरूर देख के आइए, ठीक है सर, PDF सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, एक सेकंड, मैं आपके लिए ही कुछ कर रहा हूँ, ओके, क्लियर, क्लियर, देखो सुनो, ध्यान से मैं बता दूँ, देखो अगर आपको 11 into 8 चेक करना है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि 8 का मतलब क्या होता है, अंतिम तीन अंक, ओके, तो ये जो आपका 904 है,
आप इस 904 में 8 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 8 से, सॉरी नहीं, 8 का मतलब हाँ लास्ट थ्री डिजिट है, सही बात है, लास्ट थ्री डिजिट है लास्ट 8 से, जब 8 से डिवाइड करोगे तो 904 में 11 8 या 88 रिमाइंडर 24 8 3 या 24 राइट, क्या हम इसका मतलब ये 8 से तो कैंसिल हो गया राइट। अब 11 का कैसे चेक करोगे? 11 का मतलब सम ऑफ अल्टरनेटिव राइट, तो 6 प्लस 2 प्लस 0 तो 6 दो 8 और 0 ये 8 आ गया, और ये राइट, तो x प्लस 9 प्लस 4 13 प्लस x 13 प्लस एक्स। अब देखो ध्यान से देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका अंतर जो है, इनका अंतर या तो जीरो होना चाहिए या 11 के मल्टीपल, 11 के गुणज होना चाहिए। पहली बात, अब देखो 13 में आप क्या करो, 13 और 5 18, 18 माइनस 8 करोगे 10, ये नहीं होगा। 13 और 6 19, 19 में 60 करोगे 11 होगा। 13 7 20 में 60 किया 12, 13 8 21 में 60 किया नहीं, तो केवल आंसर ये बी होगा, क्योंकि अगर एक्स की जगह, अगर एक्स की जगह आपने 6 पुट कर दिया, 13 प्लस 6 19 और ये हो गया 8, इसका और इसका डिफरेंस करोगे 11 आएगा, तो आंसर इसका बी होगा। आई बात समझ में सबको आसान से? सर ब्लर आ रहा है, सबको आई बात समझ में? वीडियो क्लियर नहीं है, फ़ोन की क्वालिटी को इंक्रीज करो ना, फ़ोन की क्वालिटी अपने फ़ोन के क्वालिटी, आप अपने फ़ोन की क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए। टेलीग्राम सी सेट बाय संजय, जो आपका जो क्वालिटी है ना, उसको आप HD पे ले जाइए, 720 पे देखो या 480 पे देखो राइट, है ना, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा राइट, आपको कुछ भी नहीं करना राइट। आप अपने इसके आपको इसको इस अपने फ़ोन की क्वालिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, आपको विजिबल हो जाएगा राइट, है ना राइट, ओके, इज इट क्लियर? थोड़ा सा आप अपना क्वालिटी बढ़ाओ, ओके, आपके फ़ोन का क्वालिटी आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्वालिटी बढ़ाओगे आपको विजिबल सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो इस बात को समझो, इस बात को समझो। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान देखो, अब देखो मान लो यहाँ पे 72 से डिविजिबल है राइट, 72 से डिविजिबल है राइट, है ना, तो आप सोचो क्या क्या 6, इसको थोड़ा सा अभी मैं अगर आपको दे दूँ तो दे दूँ तो सही रहेगा ना, नहीं चलो इसको सोचो, सोचो कई बात नहीं, सोचना तो पड़ेगा राइट, सोचो कैसे हो सकता है, ऑकवर्ड सोचो राइट। जीरो को दो बार क्यों कट किए सर? आराम से आप एक बार सोचिए, क्लियर? इफ द सिक्स डिजिट, देखो यदि 6 अंकों की संख्या 4x573y है, 4x573y है राइट, और ये अगर 72 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो राइट, x प्लस, एक बार आप खुद से सोचो, दिमाग के ऊपर फोकस करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके नहीं सीखना है। अब बात समझ में आ रही है? अगर आपका बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रांग है कि भाई साहब ये 72 से पूछा है, 72 को चेक करने के लिए आपको पता है कि 9 × 8 होना चाहिए राइट, 9 × 8, 9 का मतलब सभी अंकों का योग चेक करना है, 8 का मतलब अंतिम 3 अंक चेक करना है, अंतिम 3 अंक चेक करना है, यहाँ से अंतिम 3 अंक चेक करोगे तो आपको y की वैल्यू आ जाएगा, फिर आप x पे आराम से चेक करो, तो थोड़ा बेसिक्स है, चीज़ें फर्स्ट नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, चीज़ें टफ नहीं है, ओके, चीज़ें वही चीज़ है, अभी भी टफ नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ राइट। प्लीज थिंक अबाउट इट, सोचो, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, आपको 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज थिंक अबाउट इट, क्या होगा, आराम से सोचिए, अभी तो मैं आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ा ही नहीं रहा हूँ इसमें राइट।
आराम से। आराम से सोचो। कुछ बच्चे कह रहे हैं 8 आंसर, मैं भी, कुछ लोग कह रहे हैं 13 आंसर। सैयद जुमरा सोचो ज़रा, सैयद जुमरा सोचो। राइट, ओके, क्लियर? देखो सर, एकदम समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सनी, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, ठीक है। देखो 9 का तो अभी आप चेक नहीं कर सकते, 8 का क्या है, अंतिम 3 अंक आपको देखना है। 8 में क्या देखना है, अंतिम 3 अंक देखना है, ठीक है। अगर आपको लास्ट में 3 अंक देखना है तो ये आपका 73y है। तो पहली बात, 73y डिवाइड करोगे 8 से, राइट, तो 89 या 72 रिमाइंडर 1, वाई की जगह आपका 100% 6 होगा, 82 या 16। इसका मतलब एक चीज़ तो फिक्स हो गया कि सर, इसका मतलब एक चीज़ तो यहाँ पे अब आपका फिक्स हो गया। देखो ध्यान से समझो, एक चीज़ ये फिक्स ये हो गया, फिक्स अब ये हो गया कि सर ये जो वाई है ना, वाई की जगह जो है ना अब हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, वाई की जगह हमारा 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया वाई की जगह, राइट। और 9 से डिविजिबल का मतलब क्या है, सबका योग। 9 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, सबका योग। तो देखो 9 से, राइट, 9 से अब आपको चेक करना है इसका, 9 से, राइट, देखो 9 से तो 4x 5 7 3 6 डिवाइड बाई 9, तो 4 प्लस 5 9, इसको कैंसिल कर दो, 6 प्लस 3 9, तो 7 प्लस x डिवाइडेड बाई 9, तो 9 का क्या हो, यहाँ पे 7 प्लस 9 1 9, तो 7 प्लस 2, तो x की जगह क्या आएगा आपका, 2 आएगा, x की जगह क्या आएगा आपका, 2 आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो इसका मतलब एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया यहाँ भी कि एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, राइट। तो इसमें आपको ये पता चल गया कि भाई एक्स की जगह 2 आ रहा है, वाई की जगह 6 आ रहा है, और एक्स प्लस वाई पूछा है तो 2 प्लस 6 आएगा आपका, 8 आएगा। जिसको भी समझ में आ रहा है इस लेवल का, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में SKS10 कोड का रिप्लाई करें, जिसको भी समझ में आ रहा है SKS10, वरना आप हमें SP शाह कोड का रिप्लाई करिए, वरना आप हमें SP शाह कोड का रिप्लाई करिए, प्लीज़। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, आज क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, राइट, है ना, आज क्लास में बहुत कम बच्चे हैं, क्योंकि क्लास टाइम से स्टार्ट करना था, राइट, क्लास टाइम से स्टार्ट करना था, बट मैंने कोशिश किया आज क्लास, आप देखें मेरे टाइम पे जो थे ऑलरेडी सर लाइव आ गए थे, जिसकी वजह से मैं आज क्लास टाइम से आपके लिए शुरू नहीं कर पाया, राइट, है ना, बट कोई नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी मैं इस टॉपिक से आपको 10 क्वेश्चंस और कराऊँगा, 10 क्वेश्चंस और कराऊँगा, है ना, 10 क्वेश्चन और कराऊँगा, ठीक है, आज नहीं, है ना, नेक्स्ट टाइम। इसलिए मैंने बोला कि इस वीक में, आज के और कल के बाद, इस वीक में परसों भी होगी क्लास, नर्सों भी होगी, उसके अगले दिन भी क्लास होगी, यानी कि ये क्लास आपका रेगुलर होगा, राइट, है ना, ये क्लास यानी कि आपका रेगुलर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये क्लास आपका रेगुलर होगा, राइट, है ना, ये क्लास रेगुलर होगा। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, एक बार आप सभी लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट लीजिए, न्यूनतम इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फटाफट आप इसका स्क्रीन शॉट लो, सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, राइट 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 राइट, सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसका सभी लोग स्क्रीन शॉट लीजिए, ले लिया, कल नहीं होगी बाकी परसों से होगी, राइट, स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीन शॉट लीजिए,
इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। राइट, 789 देखो भाई, यहाँ पे हिंदी में देखो मिस्टेक है, यहाँ पे एक्स होगा 789 X53Y, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, सभी का लो स्क्रीनशॉट। अभी आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? राइट, स्क्रीनशॉट लो। मैं अभी कुछ सोच के आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ ना। सब 72 सही है। इसको ले लो, रे ले। फिल द ब्लैंक विथ लार्जेस्ट नंबर सो द नंबर इज कम्प्लीटली ड्यू। देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपका बेसिक्स कंप्लीट होगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 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 ताकि आपका नंबर जो है ना डिविजिबिलिटी हो जाए, ताकि आपका नंबर जो है ना ये डिविजिबिलिटी हो जाए। एक बार चेक कीजिए, एक बार चेक कीजिए सभी लोग, प्लीज़ कमॉन कमॉन कमॉन। राइट, एक बार चेक, इसका स्क्रीन शॉट ले लो, इसको आप प्रैक्टिस करना। राइट, इसको आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? प्रैक्टिस करना। राइट, बाकी और भी इसमें क्वेश्चंस है मेरे पास। राइट, यानी कि और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, इसमें मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं। राइट राइट, इसमें हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? बाकी तो आज के लिए बस इतना ही। राइट, है ना? आज के लिए बस इतना ही। बाकी किसी भी बच्चों को ये कोर्सेज ज्वाइन करना हो, 15th of June से बैच स्टार्ट्स हो रहा है। राइट, है ना? जिसको भी ज्वाइन करना हो प्लीज़ यू कैन ज्वाइन, स्टार्ट्स फ्रॉम न्यू बैच 15th of June से। राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस रेफरल कोड SKS10, जिसमें मेरे साथ सभी टॉप एजुकेटर्स आपकी क्लासेस लेंगे, ठीक है? सभी की क्लासेस आपको वहाँ पर मिलेगी, पेड कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? है ना? बस कल क्लास नहीं होगी, मैं अभी बता रहा हूँ, आज मैं इसलिए भी क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। थर्सडे भी आपकी क्लास होगी इस बार, फ्राइडे भी होगी, सैटरडे भी होगी और इस बार संडे भी होगी। लगातार 4 दिन इस वीक में क्लास है फोर सी सेट। राइट, तो सेशंस को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करिए। राइट, है ना? और हो सके तो सेशंस को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।